तुम्हें क्या लगता है मैं लेट हो गया हूँ? वेल हेल नो। वेल तो ही गाइस, वेलकम टू द माय चैनल, माय नेम इज पंकज। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्या रोमन रेंस वर्सेस एज या फिर एज वर्सेस फिन बैलर, क्या इनके बीच में मैच हो सकता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फर्स्ट चलते हैं कि एज वर्सेस रोमन रेंस, वेल इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि यार एज एक ऐसे सुपरस्टार है जो कि इतने सालों के बाद रिटर्न किया है एंड वो एक टाइम पे फेस सुपरस्टार बन चुके हैं। तो एक टाइम पे वो भी हील थे बट यहाँ पे अभी वो फेस सुपरस्टार है, तो उनके लिए कोई ऐसा सुपरस्टार चाहिए जो हील सुपरस्टार हो। वेल तो यहाँ पे जो WWE चैंपियनशिप के साथ सिचुएशन चल रही है वहाँ पे लगता है कि जैसे सेमस एंड्रू मैकइंटायर की राइवलरी रेसलमेनिया तक जा सकती है एंड रेसलमेनिया में उनका मैच हमें देखने को मिल सकता है। एंड तो यहाँ पे एज के पास दो ऑप्शन बनता है, या तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप या तो NXT चैंपियनशिप। वेल यहाँ पे अगर वो चैलेंज करते हैं WWE चैंपियनशिप के लिए तो आई थिंक मेरे को उतना पक्का मतलब अच्छा खासा लगेगा भी नहीं, क्योंकि ड्रू मैकइंटायर भी एक फेस सुपरस्टार है और एज यहाँ पे भी फेस सुपरस्टार है। तो एज के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन हो सकता है वो है WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप, जो कि रोमन रेंस को चैलेंज करना। वेल तो वो हमें कल के स्मैकडाउन में पता चल जाएगा क्या सही में रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे एज या नहीं। वेल जैसा एज ने NXT में मतलब बात कर रखा है कि NXT में उन्होंने मतलब ये मैच देखेंगे जो पीट डन और फिन बैलर का होगा, तो उसके बाद वो ऑप्शन वो चुनेंगे कि कौन उनके साथ लड़ सकता है एंड मतलब कहाँ लड़ेंगे वो। तो यार यहाँ पे मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ के गए हैं एज NXT में। एंड देखना अभी यहाँ इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या वो स्मैकडाउन में आके रोमन रेंस को भी ऐसे ही चैलेंज करते हैं। तो मे बी इंटरेस्टिंग होगा अगर यहाँ पर रोमन रेंस एंड एज वर्सेस इन दोनों का मैच देखने को मिल गया, तो आई थिंक ये बहुत ही बेटर एंड बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यार रोमन रेंस एक बहुत ही अच्छे खासे हील सुपरस्टार इस टाइम पे बन चुके हैं एंड यार ट्राइबल चीफ जो कि हम जानते हैं ये बहुत ही अच्छे हील बन चुके हैं इस टाइम पे। तो एज को बहुत ही अच्छा यहाँ पे एडवांटेज मिल सकता है, क्योंकि हील सुपरस्टार के साथ एज की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी बन जाएगी, क्योंकि एज एक फेस सुपरस्टार है। तो एज को आई थिंक जो WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप है उन्होंने जैसे कहा है कि जो भी चैंपियनशिप के लिए वो लड़ेंगे रेसलमेनिया में वो चैंपियनशिप वो लेकर ही रहेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा मैच बन सकता है रोमन रेंस के साथ में एंड यार ये मैच तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिल सकता है। एंड यहाँ पे एज जो है एज यार अगर NXT चैंपियनशिप के लिए गए तो आई थिंक यहाँ पे बहुत ही मतलब अलग थिंग होगा यार, मतलब यहाँ पे इंटरेस्टिंग तो होगा ही, क्योंकि एज वर्सेस फिन बैलर भी कौन नहीं देखना चाहेगा। तो एज वर्सेस फिन बैलर भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा, बट एज वर्सेस रोमन रेंस एक अच्छा ऑप्शन और भी हो सकता है। एंड भाई मैं तो देखना ही चाहूँगा पर्सनली एज वर्सेस रोमन रेंस, क्योंकि इन दोनों का मैच आई थिंक कुछ अलग कर सकता है और कुछ बड़ा कर सकता है। वेल यहाँ पे NXT चैंपियनशिप के लिए इतने सालों के बाद रिटर्न करने के बाद तो वो NXT चैंपियनशिप के लिए जाए आई थिंक कुछ छोटा सा लगता है, बट यहाँ पे दो चैंपियनशिप जो मेन रोस्टर में है वो दोनों बड़ी चैंपियनशिप है। अगर हाँ यहाँ पे WWE को अगर NXT की अच्छी खासी रेटिंग बढ़ानी हो और NXT को अच्छा एक्सपोजर देना हो तो एज को परमानेंट NXT में डाल सकते हैं। तो हो सकता है वहाँ पे एज NXT चैंपियनशिप के लिए लड़े और NXT चैंपियनशिप जीत के NXT के ही हो जाए। तो यार एज और NXT में मतलब कुछ बात हजम नहीं होती, तो बट यहाँ पे जो ज़्यादा चांसेस बनते हैं वो रोमन रेंस के साथ में ही बनते हैं, जो एज वर्सेस रोमन रेंस हमें रेसलमेनिया में देखने को मिल सकता है। तो पर्सनली आई थिंक एज ने बहुत ही बड़ा रॉयल रंबल जीता है, तो आई थिंक वो पर्सनली किसी बड़े चैंपियनशिप के लिए जाए एंड वो चैंपियन हो सकते हैं रोमन रेंस। तो मेरा एक थिंकिंग यही तक था। अगर आपको क्या लगता है कि कौन से चैंपियन को वो चैलेंज कर सकते हैं ऐसे, तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक डिसलाइक या सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।